जय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का हीरोन्स फॉर्मूले का जो सेकंड एक्सरसाइज हमारा बचा था, आज हम वो पढ़ेंगे। ओके, जो कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो इसका चैप्टर का नंबर है 12, एक्सरसाइज है 12.2 एंड द पेज नंबर इज 206। ये नोट कर लीजिए और बुक खोल लें, 206 पेज निकाल लें। देखें, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर वन पढ़ें ध्यान से। कहता है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। मेन इंफॉर्मेशन नोट करता हूँ मैं, ठीक। और इंफॉर्मेशन क्या है, पूछा क्या है, सवाल पढ़ते रहें। उसमें दे रखा है एंगल सी जो है दैट इज 90 डिग्री। एक पार्क क्वाड्रिलेटरल की शेप में एंगल सी 90 डिग्री है। ए बी आपका 9 मीटर है पार्क का। बी सी है आपका 12 मीटर। एंड आपका दे रखा है सी डी जो है 5 मीटर है। ए डी जो है वो आपका प्रोवाइडेड है 8 मीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल पार्क। ठीक, कहता है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू फाइंड। अब बहुत ध्यान से देखें, ए बी 90, ओके, और बी सी इज 12। और सबसे मेन बात है सी आपका 90 डिग्री मेंटेन करना है, सी को 90 बनाना है आपने। अब सपोज करता हूँ ये सी मैं ले लूँ 90 डिग्री, ठीक। इसमें ये बी ले लेता हूँ सपोज, ये ए ले लेता हूँ, और फिर ए डी जो है आपका 8 है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुझे टेढ़ा सा करना पड़ेगा जिससे डायमेंशन ठीक से लगे। रफ फिगर है, बट रफ भी ऐसी हो जो समझ में आए सामने वाले को, जस्टिफाइड करे फिगर कि हाँ भाई ये इतना होगा। अब ए बी जो है वो 9 मीटर है, बी सी है आपका 12 मीटर, आपका ये दे रखा है सी डी जो है वो 9 है। तो इसका मतलब ये मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक। जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए इसमें जो है, ये डी ले लेता हूँ, ठीक। और ये आपका 8 मीटर, ठीक, क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखो जच रहा है ना भाई, एग्जैक्ट तो नहीं है बट रफ फिगर भी जस्टिफाइड हो। 12 से कम है 9, 9 से थोड़ा सा, अरे 8 तो कुछ ज़्यादा लग रहा है। नहीं तो इसको मतलब देख लेना कि भाई ऐसा लगे कि हाँ जस्टिफिकेशन मिले। मैं इसको थोड़ा और टेढ़ा कर देता हूँ, ठीक। इसको ए रख देते हैं हम। अब ये ए आपका वैसे 12 और 9 में ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा, बट रफ फिगर, ठीक है, लेकिन फिर भी जचनी चाहिए फिगर जो है। अब इसका एरिया चाहिए हमारे को ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का। तो आप ये देखें कि राइट ट्राइंगल आपका बना हुआ ये वाला जो है सी डी सी, और अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो एक राइट ट्राइंगल का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल में? तो इसमें लिखें ज्वाइन डी बी। वी गेट ट्राइंगल डी सी बी एज ए राइट ट्राइंगल, ठीक, एट एंगल सी बराबर, एट एंगल सी कर दो बस, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक। अब इसमें पैथागोरस फिट हो सकती है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द डी बी। टू फाइंड डी बी वी यूज पैथागोरस, पैथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोट जो लार्जेस्ट होता है, अदर टू साइड परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायरों के सम के क्या होती है, इक्वल। तो 90 के ठीक सामने क्या होती है, हाइपोट होती है हमेशा, ये हाइपोट है। तो भाई डी बी इज द हाइपोट। बाकी डी सी को परपेंडिकुलर ले लो, और इसको क्या ले लो आप, बी सी को कितना ले लोगे, ये बेस को बी सी ले लो इसका स्क्वायर। डी सी इज व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 144, इट इज 169। एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, 169 इज 13 स्क्वायर।
सही है। सो डी बी आपने क्या ले लिया, 13 मीटर। वैसे ये प्लस माइनस 13 आता, लेकिन भाई साइड नेवर भी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव ले ही नहीं रहे। तो डी बी आपका क्या आ गया, 13 आ गया। अब क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे हम आपका डी बी ए के लिए, क्योंकि तीनों साइड नोन हो गई। और चाहो तो डी सी बी के लिए हीरोन फार्मूला लगा सकते हो आप, क्योंकि तीनों साइड नोन हो गई। नाउ 5 है, 12 और ये हमारी 13 आई है, लेकिन ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का एरिया हम दो ऑप्शन में डील कर रहे हैं डी सी बी का, या तो हीरोन्स फार्मूला लगा दो, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड जो मैंने बेसिक्स में कराया था उसका प्रयोग कर लो। तो यहाँ आपको बेसिक्स का जो है ना वो एक रिविज़न करके करना, तो आपको स्ट्राइक करेगा डी सी बी का। हम ऑल्टरनेटली उससे छोटे मेथड से निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो एरिया है, या चलो पहले अलग अलग पार्ट्स में करा देता हूँ, ठीक। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक। सो 1/2 और बेस कितना 12, ऑल्टीट्यूड कितना 5, ठीक। 2 से इसे कट करो, ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। इसको एक नंबर, इस ट्राइंगल डी सी बी का आप हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग डी बी, क्योंकि तीनों साइड नोन हो गई। लेकिन भाई लॉन्ग रूट है, बेटर क्या रहेगा, आप स्पेसिफिक रहें, जो जहाँ हो सकता है बेस्ट उसको करें, करना चाहो उससे कर दो। बट इसके लिए तो मस्ट है डी बी ए के लिए, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल थोड़ी है, इसमें तो तीनों साइड पता है, तो हीरोन फार्मूला लगेगा। सो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी वी हैव टू यूज हीरोन्स फॉर्मूला, ये हमें प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। इसकी साइड्स हमने ए बी सी लेट कर लेनी है। ए को मान लो भाई आपका, भाई ये कितना आ चुका है, 13 है ना, नाउ ए को 13 ले लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 9 मीटर बी ले लो, सी ले लो आप 8 मीटर को, दिख तो रहा है ना बच्चों को, हाँ। अब यहाँ आ जाएं, अब आपको चाहिए हीरोन फार्मूले के लिए सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ठीक। सो इन तीनों का सम कर दीजिए फटाफट, तो 13, 9 और 8 का सम का आधा, तो एस इज़ व्हाट, 13, 9, 22 और 8, 30/2 कितना हो गया, 15 मीटर आ गया। अब लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ए डी बी बाय हीरोन्स फार्मूला, क्या होगा इसका फार्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। सो ये देखें, 15 इज़ द एस एंड 15 माइनस व्हाट इज़ द ए, 13, फिर 15 माइनस कितना 9, और फिर 15 और माइनस कितना 8। सो अल्टीमेट ये कितना आया देखें, 15 इंटू व्हाट 2, एंड दिस इज 6, एंड दिस इज व्हाट 7। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। और मैंने आपको बताया था इसमें जितने भी आप बड़े से बड़े नंबर के पेयर बनाएंगे ना, सेट बनाएंगे, वो फ़ायदा करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर कहीं फंस जाओ तो वही प्राइम फैक्टर बना लो, सेट बना लो, सेट बनाने पे ध्यान दो। ये 15 है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 5s, सो 3 × 5 2 है, 6 के फैक्टर 2 × 3 है, और ये 7 है ही। तो आप ये देखें, इस 5 और 7 के अलावा सबके सेट बन गए, 3 का एक सेट बन रहा है, 2 का एक सेट बन रहा है, 2 का एक सेट और 3 का एक सेट। तो भाई ये जो सेट बन गए उनको सेट बनाओ, और जो नहीं बन पाए उनको भी लिखो। तो भाई ये आपका जो है, ये सेट बना, ये सेट बना, ये रह गए, तो ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, और रूट में आ गया 35, ओके। तो ये आपका आ गया 6√35 मीटर, लेकिन हमें तो उसे ऐड भी करना है, तो भाई इसको फिर √35 आप निकालें, जो कि लगभग आपका 5.9 के करीब आएगा, ठीक है, 5.91, और अप्रॉक्सीमेटली इसे फिर 6 भी आ रहा है, तो भाई ऐसा करो 2 ले लो, 5.92 अप्रॉक्सीमेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट आपका आएगा देखिए, 30
18 और दिस 35, देखें 18 एंड दिस इज़ व्हाट 55, ठीक, एंड 30, 30 एंड कितना था आपका 35, 30 था और 5 कैरी, सो 35.58 के अप्रॉक्स, ठीक, लिख देंगे बाद में लास्टली अप्रॉक्स, या अभी लिख दो। अब जो है यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, देखें ओके है। अब फाइनल इसका आंसर निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखें एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, राइट ट्राइंगल का एरिया और दिस ट्राइंगल का एरिया, इन दो ट्राइंगलों का एरिया है, कसम है कि ए बी सी डी का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस दिस ट्राइंगल का एरिया, सो इट इज़ एरिया ट्राइंगल आपका डी सी बी प्लस एरिया ट्राइंगल व्हाट ए डी बी एंड दिस इज व्हाट 30 एंड दिस इज व्हाट 35.58, तो दिस इज 65.58 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, लिख देना, ठीक, देखे दिख रहा है ना, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसको पॉज करके जो भी नोटिंग करनी है वो कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आए। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें आपको ए बी गिवन है, आपको बी सी गिवन है। क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 4 सेंटीमीटर एंड द डी ए इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, ठीक, एंड ऑल्सो भी गिवन है एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर। अब इसको रफ ड्रॉ करें, उसके बाद ही कुछ होगा। सो ए बी सी डी में आपका देखें ए बी सी डी ये ले लूँ, फिगर थोड़ी जस्टिफाइड सी हो, जैसे मैं सपोज करो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें बेस जो है हमारा बी सी, बी सी डी ए कुछ भी नहीं दिख रहा, तो बी सी को ले लेता हूँ बेस 4, ये बी है और ये सी है, ए बी इज 3, सो इसको मैं 3 ले लेता हूँ ए बी, फिर आपका बी सी है 4, ये 3 है सेंटीमीटर में, ये मान के चलना सी डी है 4, ठीक, और भाई डी ए है 5, ठीक, तो थोड़ा सा मुझे इसको एक्सटेंशन पे लेके चलना पड़ेगा ना, यूँ ये 4 है और ये आपका जो है ये क्या दे रखा है आपका 5, ठीक है, ऐसी रफ फिगर लेकिन जस्टिफाइड हो। और ये ए डी आपको गिवन है कितना, ए सी इज़ व्हाट गिवन 5, सब सेंटीमीटर में। अब देखिए दिस इज एज बिफोर हो गया क्वेश्चन। अब जो बच्चा एकदम थोड़ा मैथ्स अच्छा कर लेता है उसको तो एकदम पिक हो रहा है, पैथागोरन का जो बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5 ये बन रहा है, तो ये 5 जो है हाईपोट होगा तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना, जो बच्चा समझ गया है आपका ये पॉइंट, क्योंकि देखो हर बच्चा नहीं समझेगा अभी इस लेवल पे, तो ए बी सी ट्राइंगल पहले प्रूव कर दो कि राइट है, राइट ट्राइंगल होने से फ़ायदा ये होगा कि इसका एरिया बहुत आसानी से आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके आपका एरिया इसका ए बी सी का आ गया। मेन ऑब्जेक्टिव है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए डी सी का एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। तो भाई ये है कि आपको अगर हिट करता है कि भाई आपका ए बी सी राइट ट्राइंगल है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं भी हिट करता कोई बात नहीं, आपको 3 साइडें पता है ना, तो आप कौन सा फार्मूला लगा दो यहाँ पे, हीरोन्स फार्मूला, तो मैं यहाँ पे हीरोन्स ही लगा रहा हूँ, जिससे मैंने समझा जरूर दिया है कि भाई जिस बच्चे को पॉइंट पिक कर गया है कि राइट ट्राइंगल प्रूव करके ये एरिया इसका बहुत आसानी से आ सकता है वो कर दे, अदरवाइज़ मैं सभी बच्चों को लेके चल रहा हूँ तो मैं दोनों का बेसिक मेथड करा रहा हूँ, इसका भी हीरोन लगाऊंगा इसका भी हीरोन और दोनों को जोड़ दूंगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज व्हाट एरिया ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल व्हाट आपका ए डी सी।
अब इसको नंबर एक डाल दें, हम अलग अलग इनके एरियाज को फाइंड करेंगे और इनको फाइंड करने के बाद इसमें नंबर एक में पुट कर देंगे, ठीक। सो ट्राइंगल ए बी सी की वर्किंग यहाँ कर लो, ट्राइंगल दूसरे वाला कौन सा आपका ए डी सी की वर्किंग यहाँ कर लो। तो इसका जो एस होगा ए बी सी का क्या आएगा, देखो 3 a हो गया, ये b हो गया मान लो, और ये c हो गया 5/2। ए बी सी किसी को भी मान सकते हो, तो 5 4 9 3 12 by आपका 2 is 6 cm, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ए बी सी इज वट, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, देखो एस है आपका 6 है, तो 6 माइनस वट 3, और 6 माइनस 4 नेक्स्ट जो है, और फिर 6 माइनस 5 जो कि लास्ट है ए बी सी ट्राइंगल की एसी है, ठीक। अब इसको आप ग्रुप बनाओ, सेट बनाओ। ये कितना आ रहा है देखो, दिस इज 3, दिस इज 2 और दिस इज 1। अरे ये तो बहुत बढ़िया बन गया, बड़े से बड़े नंबर का सेट बने तो बहुत अच्छी बात है। और भाई ये 3 2 6 हो गए, 1 है, तो ये सेट बन रहा है तो और भी अच्छी बात हो गई। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाओ, बेसिक्स पर, उससे उसके सेट बनाने की क्या करें कोशिश। नंबर 2, अब ऐसे ही इसका निकालो ए डी सी का, ये आ जाएगा आपका, देखें 5 + 5 + 4/2, इट इज़ 14/2 = 7 cm। और एरिया ऑफ ट्राइंगल वट आपका ए डी सी इज़, एस इज 7, 7 - 5 - 7 - 5, 7 एस हो गया, एस माइनस ए आपका, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। गणित की दृष्टि से देखना, और दिख भी रहा है ना वैसे जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ वो तो दिखना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें, ट्राई करें सेट्स बनाने की, अगर बनते हैं तो, अगर सेट बन जाते हैं तो बहुत फायदा होता है हमें, ठीक है। तो देखें ये 2 है, और ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। अब इसमें एक ही सेट बन पा रहा है तो ये बाहर कर दो, ये नहीं बन पा रहा 7 और 3 का, तो ये 20 बना गया, ठीक। तो ये दिक्कत आएगी ऐड करने में, √21 अलग से निकाल लो। √21 की जो लगभग वैल्यू होती है वो बैठती है 4.582, लेकिन इसे राउंड ऑफ करें। देखो √21 अगर ये दिक्कत करता है तो मैं बीच में इस पे भी बीच में स्पेशल क्लास लूँगा कि भाई कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। इसके चैप्टर के लिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड करोगे तो 4.58 आएगा, ठीक। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डालनी है, और इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट आंसर आपका कितना आ जाएगा, देखें 4.58 * दिस 9.16 cm का स्क्वायर। ये अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर लिखना, क्योंकि ये ना इरेशनल नंबर है, हम उसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2 डेसिमल के प्लेस तक ले रहे हैं, ठीक। ये नंबर 3 डाल दें, पुट कर दो 2 and 3 in 1, ठीक, टू गेट रिक्वायर्ड एरिया, ठीक। आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा। तो देयर फोर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 6 + 19 9.16, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड में लिख देंगे 15.16 cm², दिस शुड बी योर आंसर, ठीक, ओके। इसको कॉपी कर लें ध्यान से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसकी फिगर ही देखें क्या जबरदस्त है, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फेमस डाउट है बच्चों का, तो इसे बहुत ध्यान से देखें। ये कहता है, पहले तो इसकी फिगर बना दूं जिससे मुझे भी आइडिया हो जाए, पार्ट्स में कराऊंगा फिर मैं इसको, इस एरोप्लेन, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट एरोप्लेन जैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है, ठीक। थोड़ा फिगर थोड़ा जस्टिफाइड भी हो ऐसे बनाने में। ये देखें, और
नीचे आपका एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स हो गई इसकी जो हैं, और ये इसकी पैरेलल साइड्स है, ये वाली, ये और ये। बड़ा अटपटा सा लग रहा है यहाँ लिखने में, ये 5 5 हैं, ये 1 है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट फिगर बहुत छोटी हो जाएगी, मुझसे बन नहीं पाएगी इतनी। ये मान लें 1 1 है, बट बहुत बड़े लग रहे हैं, तो 5 जितने ही लग रहे हैं, ठीक। लेकिन एज्यूम कर, या मैं थोड़े 5 बड़े बनाऊँ, थोड़े 5 बड़े बना देता हूँ, नहीं तो क्योंकि जस्टिफाइड थोड़ा सा तो करे। ये 5 5, अब तो थोड़े बड़े लग रहे हैं ना, बस ये पूरा 2 है, और भाई ये 1 1 है, सेंटीमीटर में सब कुछ। ये आप बना रहे हैं राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, पेपर से बना रखा है, ठीक। सो इसके आजू बाजू ये लगे हुए हैं, देखें, ठीक है, ये बराबर से ही है, मान लेना, ठीक है। चित्र थोड़ा जस्टिफाई तो कर रहा है, बट इतना नहीं अच्छा बना, अब आप लोग अच्छा बना लेंगे। तो देखें, ये 6.5 है अंदर का जो दे रखा है ना, लेंथ जो है ये 6.5 सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। अच्छा, ये 1.5 है सेंटीमीटर में ही, और ये आपका 6 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ, और ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी 6 है, ये 1.5, ये भी, ये दोनों विंग्स जो हैं इसके वो सेम डायमेंशन के हैं, ठीक। और ये आपका ट्राइंगल है आइसोसेलेस, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम है, और ये दो राइट ट्राइंगल हैं। इनके नेम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकेंड पार्ट इज दिस वन, थर्ड पार्ट इज दिस वन, फोर्थ इज दिस वन एंड फिफ्थ इज दिस वन, ठीक। हमें इस पूरे एरोप्लेन का एरिया पूछा गया है, ठीक। तो भाई हमारा उद्देश्य है एरिया ऑफ एरोप्लेन, इट शुड बी व्हाट, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकेंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ का एरिया प्लस फिफ्थ का एरिया, ठीक। इसको हमें निकाल के सबको ऐड करना है, ठीक। तो अब देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट पे आएँ, पहले अलग अलग स्टडी करें। फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल है हमारा, ठीक। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल है, उसके डायमेंशन्स हैं 5 5 1, ठीक। तो इस पे हीरोन्स फार्मूला वर्क कर रहा है, तीनों साइड अवेलेबल है ट्राइंगल की, तो 5 5 1 और बटे में 2 इज 5.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, हीरोन्स फार्मूला एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो इसको लिखें, आई होप फार्मूला तो याद रहेगा आपको, हो गया होगा अब तक तो। तो देखें, 5.5 5.5 माइनस आपका 5 एंड 5.5 माइनस 5 एंड 5.5 माइनस 1। सो याद है ना, पेयर्स बनाने में लगे रहे आप तो ही फायदा होगा। 5.5 ये 0.5 ये 0.5 और ये आपका 4.5, ठीक। ओके, थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, न्यूमेरिकल में चेंज कर, फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ। 5.5 इज़ व्हाट, 11 बाय 2, ठीक, 11, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपका क्या आएगा, हाफ, ये आएगा हाफ, और ये कितना आएगा, 9 बाय 2। तो भाई जितना इजी कर सकते हो उतना आसान कर दो, सेट बनाने पे ध्यान दो। देखो डिनोमिनेटर में एक सेट दो का ये बना, एक ये बना, और 9 का रूट होता ही है आपका, एक फंस गए हम कहाँ पर, 11 के ऊपर, 11 का कुछ नहीं होने वाला, तो उसका कोई नहीं, जो हो सकता उसे तो करो। तो 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1 बाय 2 और दिस इज 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2, एक रह गया 11। ये देखो सेट्स ये बन रहे हैं हमारे, 9 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 3 इंटू 3, ठीक। और भाई इसका सेट बन गया इसका बटे में जो है, तो आप देखें ये सेट बना, ये बना और ये बना, तो इसको तो रूट के बाहर लिखें,
थ्री इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू, ठीक, वन का रूट वन ही होता है तो कोई टेंशन नहीं। अब ये फंस गया रूट इलेवन, अब ये आ गया थ्री बाय फोर, ठीक, और रूट ऑफ इलेवन कितना होता है, रूट ऑफ इलेवन जो है 3.16, 3.316, रूट इलेवन की वैल्यू होती है 3.316, तो इसको राउंड ऑफ करके मतलब डेसिमल के दो प्लेस तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.32 ले लो। तो ये यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसे प्लेस कर देना है, तो दिस इज 3/4 इंटू आपका 3.32 एंड दिस इज 6, 9 और 9/4, सो इसको डिवाइड करके आपका लगभग 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे आप एक नंबर डाल दें, ठीक, तो इसको आई होप समझ गए आप, उसे नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है बट कैलकुलेशन है, इसके स्किल्स आपके होने चाहिए, ठीक। अब ज़रा सेकंड पार्ट पे वर्क करते हैं। सेकंड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड व्हाट इज़ द लेंथ हियर, लेंथ इज 6.5 एंड व्हाट इज द ब्रेथ हियर, 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर टू। भाई दिस इज रेक्टेंगल है सेकेंड पार्ट, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई 6.5 इंटू 1, सिंपल। अच्छा ये आप नोट कर लें क्योंकि देखें जो आपका बाकी पार्ट है वो करने पड़ेंगे, बड़े हैं वो, ठीक, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं अपने लिए भी लिख लूँ क्योंकि मैंने मिटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो रिकवर भी नहीं कर पाऊँगा, आप तो नोट भी कर रहे हो, इसका एरिया मेरा ये आया था, अपनी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, सेकेंड का एरिया आया था 6.5, ठीक, अब मैं आराम से अपना मिटा सकता हूँ, आपने नोट कर लिया है क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो थर्ड पार्ट नोट करें, थर्ड पार्ट जो है आपका वो एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है जिसकी वजह से बच्चों का ये डाउट होता है, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सवाल हर बच्चा पूछता है, वो कहता है बस मुझे इसका एरिया बता दो बाकी मैं कर लूँगा, बाकी मैं ही क्या, ठीक भाई, ये ट्राइंगल है हीरोन्स फार्मूला, ये रेक्टेंगल है एलबी, ये राइट ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, बचा है तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो यही बच्चों का डाउट होता है, इसे बहुत ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये आपका ये भी है, ये वन और ये भी वन है और ये टू है हमारा, तो इसमें एक है ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ये इतना आसान नहीं होता है, इसको एक बार में नहीं सीख पाओगे, थोड़ी ध्यान से इस लेक्चर को, इस पर्टिकुलर सवाल को 2-3 बार स्टडी करना। तो ये जो ट्रेपीजियम है इसको मैं एक तो लेवलिंग कर दूँ जिससे थोड़ा मुझे रेफर करके बोलना आसान हो जाए, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ठीक, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए डी फ्रॉम पॉइंट बी, बी से एक लाइन ए डी के क्या ड्रॉ कर दो, पैरेलल, ठीक, लग नहीं रही ना वैसे, ठीक है, ये इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और इसका नाम रख दें इट मींस, या लिख दो कट डी सी एट ई, तो इसका नाम क्या आ गया ई, ये पूरा क्या है टू, ये आपका आप जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, तो भाई अगर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया तो ये वन तो ये वन और ये वन तो ये वन, ओके, सो अब देखें बिकॉज ए बी इज व्हाट, पैरेलल टू डी सी, सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो ए बी पैरेलल होगी डी ई के, ठीक, दिख रहा है ना बच्चों को, इसके पैरेलल होगी। अच्छा एंड बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन आपका ए डी इज पैरेलल टू बी ई,
therefore quadrilateral A D E B is a parallelogram, as we know that if in a quadrilateral both the pairs of opposite sides are parallel, so it is a what parallelogram, ठीक? Because if in a quadrilateral both pairs of opposite sides are parallel to each other, then it is a parallelogram. Therefore, there its opposite sides are equal. Its opposite sides are equal. This implies कर गया कि AD अगर 1 है तो ये भी BE भी क्या होगा 1, and आपका AB अगर 1 है तो भाई DE भी क्या होगा, DE भी 1 होगा, ठीक? ये B है और ये AB है, ठीक? So ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. अच्छा, ये पूरा 2 है, DC is 2, DC 2 है, देखें but लिख लेना इसमें, but DC is 2. This implies DC क्या है हमारा, DE plus EC is 2. DE अभी आपने प्राप्त करा 1 है, तो EC भी कितना आ गया, EC की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो finally ये भी 1 हो गया, ये तो 1 है ही है. तो भई ये थोड़ा ढंग से लिखाना पेपर में जो है. अब इस चक्कर में हुआ क्या कि ये ट्राइंगल BEC जो आपका देख रहे हैं, ये BEC ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक? अब इसका एरिया मैं हीरोन से ही निकलूँगा, डायरेक्ट रूट 3/4 साइड स्क्वायर से नहीं करेंगे, हीरोन से करेंगे उसका सम्मान करते हुए. और फिर हम पैरेललोग्राम बन गया है ए डी ई बी, उसका एरिया निकालने के लिए हमें ऑल्टीट्यूड चाहिए, वो विद द हेल्प ऑफ दिस लेंगे हम, ठीक? तो अभी फ़िलहाल ये नोट करें, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अभी इसी पार्ट पे थोड़ा वर्क कराना है, मेन यही पार्ट बच्चों का प्रॉब्लम मैंने बताया होता है. सो फाइनली हमें ये चीज़ें मिल गई हैं, हमने वो नोट डाउन भी कर दिया है. अब एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करवाऊँगा मैं इसमें पहले, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी ये निकालना हमारा अभी फ़िलहाल उद्देश्य है, ठीक? हीरोन्स फार्मूला वर्क कर रहा है, डायरेक्ट कर सकते हो हीरोन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन मैं इससे करा रहा हूँ 3/2, 1.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने दो जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल एस कितना है आपका, 3/2, 3/2 माइनस वट 1, फिर 3/2 और माइनस 1, और फिर 3/2 और माइनस 1, ठीक? हीरोन खानी मैंने एक बार लिख दिया सवाल में, एक बार लिखें और कोई दोबारा उसको लिखने के ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने, एक बार लिख दो बस हीरोन फार्मूला क्या होता है, वो मैंने फर्स्ट के उसमें लिख दिया था तो अब आवश्यकता नहीं है ये गणित की दृष्टि से, लेकिन समझ लो एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, यहाँ ए बी सी तीनों वन है इसलिए ये करा. तो अब इसमें सेट देखो कितने बन रहे हैं, वो आपके फ़ायदे की बात है. दिस इज 3/2 माइनस 1 करोगे एलसीएम लेके तो हाफ बचने वाला है, नहीं तो देखो मैं अलग से करके दिखा दूँ, वहाँ नहीं करूँगा, जगह नहीं है. दिस 2 से 2 डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से इसे डिवाइड 2 आए, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 माइनस 2 कितना होता है 1/2 इज द नेट आंसर. दिस इज हाउ मेनी टाइम्स इट इज दिस. अब आप खुद देखें इसमें जो सेट बन रहे हैं डिनोमिनेटर में, 2 का एक सेट बना दूसरा, ये 3 अकेला रह गया, तो कोई नहीं इसको रहन दो, ठीक है? तो 1/2 का एक सेट बना, एक सेट ये 1/2 का बना और अंदर रह गया √3. तो इसको लिखें, ये आपका 1/4, और √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, जो है √3 की वैल्यू हमारी 1.732, ठीक? डेसिमल के 3 प्लेस तक मैंने लिखवा भी दी थी बेसिक लेक्चर में जब हमने पढ़ा था, ठीक? तो भाई ये आपका आ गया 1.732, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है इसको डिवाइड कर दो, ठीक? देखें अभी, या इसको एक काम करो, अभी तो हमें वो भी चाहिए ना, एक ही बार करेंगे, अभी रुको.
अभी हमारा सवाल थोड़ी पूरा हुआ ये, अभी रूट को रहने दो, ठीक, इसको ऐसे ही चलाओ, रूट थ्री बाय फोर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि है ना फाइनल जब होता है ना, ये याद रखें, देखो मैथ्स में एक टॉपिक बना हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो इसीलिए बना है कि उसमें जो हम कई बार कैलकुलेशन में पूरे पूरे कर नहीं पाते, तो उसमें एक सिद्धांत बताया गया है कि आपका आंसर हमेशा मिले तो उसका तरीका क्या है, आप जो सवाल का छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें रूट रूट की वैल्यू बिल्कुल ना डालें, जब उसका फाइनल आंसर कर रहे हो तब उसकी रूट की वैल्यू डालनी है, नहीं तो मैं अगर रूट थ्री यहाँ रख दूंगा, कैलकुलेट करा दूंगा, फिर उसको मैं और यूज़ करूँगा तो और एरर क्रिएट हो जाएगा, तो जब फाइनल इसको लिखूँ ट्रेपेज़ियम ए बी सी डी का आपका एरिया, तभी रूट थ्री की वैल्यू डालने का फ़ायदा है, ठीक। सो वो एक नेट आंसर होगा, उसमें एरर होगा, मामूली सा होगा, क्योंकि डेसिमल के दो प्लेस तक ही लेंगे हम जो है, ठीक, ओके। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब देखें, एक ऑल्टीट्यूड डलवाओ यहाँ पर, इसमें एक ऑल्टीट्यूड डलवाओ, ऑल्टीट्यूड है मान लीजिए एफ ले लो, ठीक, इसका नाम है एफ, ड्रॉ ऑल्टीट्यूड आपका फ्रॉम बी, इट मींस दैट इज बी एफ परपेंडिकुलर टू डी सी, आपने एक परपेंडिकुलर डलवा दिया, और ट्राइंगल की बात करूँ तो ई सी बोलूँ, क्योंकि ट्राइंगल पे डल, ट्राइंगल के बेस पे डलवा रहे ई सी पर जो है, ठीक। सो ये ध्यान रखें, ऑल्टीट्यूड का नाम क्या हो गया, देयर फोर ऑल्टीट्यूड आ गया हमारा बी एफ, ठीक, ओके, इस पॉइंट को याद रखें। अब लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड होता है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया अभी हमारा, रूट थ्री बाय फोर, और भाई इज इक्वल वन बाय टू, एंड व्हाट इज द बेस, बी ई सी ट्राइंगल पे काम कर रहे थे, बी ई सी का बेस क्या है, ई सी, ई सी इज व्हाट, वन, और ऑल्टीट्यूड क्या है हमारा, बी एफ, ये हमें निकालना है, तो इस टू को उधर ले जाओ, टू से फोर कट जाएगा, ठीक, तो क्या बचेगा, दिस बी एफ जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज रूट थ्री बाय टू सेंटीमीटर, ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट इसको जो है, यहाँ तक सही, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैंने लिखवा कुछ ज़्यादा दिया इसलिए कि आप पेपर में उसका 50% भी थ्योरी लिखा होगा जो इससे पहले लिखाई थी, वो बहुत है। ये था, आपने एक ये कंस्ट्रक्शन करी, ये इसके पैरेलल ड्रॉ करी, पैरेललोग्राम हो गया, ये वन तो ये वन, ये वन तो ये वन, ठीक, ये वन हो गया, अच्छा ये टू था, ये वन है तो ये वन हो जाएगा, ये पूरा टू था, ये वन हो गया हमारा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर, तो रिमेनिंग ये भी वन, अब ये वन 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 तो इक्वलर ट्राइंगल है, बट हमने हीरोन फॉर्मूले से इसका एरिया निकाला। अब इसका ऑल्टीट्यूड निकाल रहे हैं कि अगर मैं बी से एफ पे परपेंडिकुलर डलवाऊँ तो वो क्या आएगा, उसका फ़ायदा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पैरेललोग्राम ए डी ई बी का एरिया है वो क्या होगा, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मैंने आपको जो बेसिक्स में कराए थे, ऑब्ट्यूज केस बन रहा है नहीं ट्राइंगल का ही, ये कौन सा एंगल है आपका, देखो ऑब्ट्यूज है, ठीक है, ऑब्ट्यूज की वजह से ऑल्टीट्यूड जो पड़ेगा पैरेललोग्राम का बाहर पड़ेगा, ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हम फिट कर रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इज डी ई और ऑल्टीट्यूड हमारा बी एफ हो जाएगा। आगे की प्लानिंग समझ आ गई, ये ऑल्टीट्यूड इसलिए निकाला है। अब लिखें, रूट थ्री बाय टू आया है, ठीक, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका ए डी ई एंड बी इज व्हाट, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, अच्छा बेस कितना है इसका जो है ए डी ई बी का, वन, और ऑल्टीट्यूड अभी जो हमने निकाला दैट इज रूट थ्री बाय टू, दैट इज रूट थ्री बाय टू सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नाउ एरिया ऑफ आपका ट्रेपीजियम निकालना मकसद है, यहाँ दो तरीके बन रहे हैं आपका, अभी जो हमने करंटली सवाल के माध्यम से अगर हम देखें तो वो बेस्ट है कि एरिया ऑफ ए डी बी, ए डी ई बी पैरेललोग्राम का एरिया प्लस ट्राइंगल बी ई एफ का, बी ई सी का एरिया, दोनों को जोड़ दो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। इन जनरल मैंने बेसिक्स में लिखवाया था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज
हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द ऑल्टीट्यूड या डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ बेस्ट फिट जो बैठ रहा है वो ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल निकाला है, ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्रेपीजियम ए डी सी बी का एरिया आ जाएगा। ठीक, सो देयरफोर मैं लिखवा दूंगा उससे भी, लेकिन इस पॉइंट से ये बेस्ट है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फ्रॉम दिस फिगर दैट इज़ एरिया ऑफ आपका पैरेललोग्राम आपका ए डी ई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एंड वॉट सी। वॉट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी अभी निकला हमारा रूट थ्री बाय टू, और हमने एरिया ऑफ क्या निकाला था, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट थ्री बाय फोर। ठीक, इसका एलसीएम टेक करें, दिस इज टू से डिवाइड करा, फोर को टू आया, टू इंटू रूट थ्री, एंड प्लस फोर से फोर डिवाइड, वन आया ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो रूट थ्री। ठीक, सो फाइनली इट इज़ थ्री रूट थ्री बाय फोर। मैंने आपको कहा था ना कि जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तब आपने उसको रूट थ्री की, रूट फाइव वगैरह की वैल्यूज को पुट करा करो, जिससे आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन है नियर मोस्टली बिल्कुल ठीक हो, नहीं तो एरर ज़्यादा आ जाता है। ठीक, इमेंसुरेशन के सिद्धांत को याद रखें आप। ठीक, अच्छा अब ये थ्री बाय फोर इंटू 1.732, इसको कैलकुलेट करके आपका ये आ रहा है लगभग आपका 1.299, जो कि नियरली 1.3 है, 1.30। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आपका आया वो आपका कितना आ चुका है, दिस इज नंबर जो भी चल रहा हो, थ्री था आई होप, हाँ थर्ड ही था, ये आ गया। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ ही निकल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल क्या है, राइट हैं। क्यों राइट हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 है, लाइन ही है पूरी स्ट्रेट, ज़रा ध्यान से देखें एरोप्लेन में, ये भी 90 है, तो ये 90 हुआ तो ये ट्राइंगल ये वाला क्या बन गया, आपका राइट ट्राइंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री, ये राइट ट्राइंगल बन गया, ये बेस, ये ऑल्टीट्यूड, ये ले लो। ठीक, सो एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज व्हाट, 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप और साइज है ना, डायमेंशन भी सेम है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज टू टाइम्स हो जाएगा इसका, 1/2 बेस कितना है इसका, भाई एक ट्राइंगल का एरिया ये है, दो का कितना, टू इंटू कर दो, बेस कितना है इसका, देखें आपका था फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से शुरू हो गया ये फोर्थ और फिफ्थ, इसका आपका बेस क्या है, 1.5 इज़ द बेस, 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, और ऑल्टीट्यूड दिस इज सिक्स है, दिस इज सिक्स है ऑल्टीट्यूड, सो भाई ये आपका कैंसिल हो हवा के, आपका टू से टू ही काटो, 1.5 इंटू 6 इज़ व्हाट, 9, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया इकट्ठा आ गया। अब हम 1, 2, 3, 4 को उठा के इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, देखें। ठीक, ये जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ फाइव दोनों का एरिया है ये। ठीक, सो सब कुछ मिटा दें, ये मैंने पहले नोट कर रखा था, नहीं तो मैं तो फंस जाता। ठीक, ऐड करना में दिक्कत आती और जो है। ठीक, तो अब ज़रा फटाफट ये मिटाऊं और थर्ड का तो लिख लूँ, कहीं मैं फंस जाऊँ फिर जो है, 1.3 है और 9 है। ठीक, 9 दोनों का है वो, तो अब इन सबको ऐड कर दो, लिखें देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एरोप्लेन, कितना अच्छा लग रहा है इस सवाल में अब ये वर्डिंग लिखते हुए कि हम एंडिंग पे हैं इसमें। ठीक, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरोप्लेन, ठीक है, वैसे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पेपर था, ठीक, वो कितना होगा वो हम बता रहे हैं। ठीक, दैट इज़ फर्स्ट का 2.49 आया है, सेकंड का 6.5 आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है सबके, 1.3 है क्योंकि एरिया है, और लास्ट वाले का 9 आया है, तो इस सबको आप अगर देखें ऐड करके तो ये बैठ रहा आपका 9, ये पहले इसको देख लो डेसिमल को, 8 और 9 कितना हुआ, 17, ठीक है, सॉरी
ये आपका ज़ीरो ज़ीरो है तो 9, और दिस 3 5 8 और 4 12, ठीक। और फिर आपका 12 के बाद ये 10 11 और ये कितना 17 और 2 19.29, जो कि नियरली व्हाट है आपका 19.3 के है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर डेसिमल के अगर दो प्लेस की बात करें या दो प्लेस पे, तो ये अभी ठीक है राउंड ऑफ करना है तो एक प्लेस पे भी कर सकते हैं आप, ठीक, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक, ये आपकी इच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि एक बहुत ही महान क्वेश्चन रहा, हर बच्चे का डाउट बहुत ध्यान से देखें, दो तीन बार चेक कर लेना, ठीक है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन का सवाल है ये, ठीक, तो नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है एक ट्राइंगल है एंड पैरेललोग्राम है, हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, एंड इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 26, 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक। सो लाइक इट इज दैट है कि जैसे सपोज करो एक पैरेललोग्राम है आपका, ठीक, ओके, और आपका एक ट्राइंगल है सेम बेस पर है, मान लो मैं ये मान लेता हूँ बेस सेम, ठीक, ये ट्राइंगल है, जो बेस है कॉमन दोनों में वो 28 है, ये 28 मान लो, और बाकी है आपका 26 और 30, कहीं भी कर लो 26 ये हो गया 30 ये हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये मान लो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और भाई ई ये है ट्राइंगल हमारा है बी सी है, ठीक। अब ये कहता है कि एरिया इन दोनों का बराबर है, तो क्वेश्चन की नोटिंग कर लें, नोटिंग मतलब ये आपका हमारा सेम एरिया है ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल एंड सेम बेस भी है, सेम बेस 28 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन का नंबर है फोर्थ। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फाइंड हमने ऑल्टीट्यूड करना है इसका जो है ना हाइट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें आसानी से किसका एरिया गेटेबल है, इसका ट्राइंगल का, क्योंकि इसकी तीनों साइड पता है 26, 30 और 28, हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं इसमें हम, ठीक, इसमें हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं हम, और ये क्या होता है बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और दिस आपका क्या है एरिया ऑफ व्हाट ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हम हीरोन फार्मूले से निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। आपका इसका देखें आपका जो दे रखा है ऑल्टीट्यूड जो है, मैं यहाँ मार देते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ठीक है यहाँ पढ़वा देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक, अच्छा ये आपका परपेंडिकुलर हमने ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक, ए से पढ़वा दिया परपेंडिकुलर, ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम हीरोन से निकालेंगे, ये बेस मैंने 28 कॉमन दे ही रखा है, एच मैं इसको मान रहा हूँ ये जो ऑल्टीट्यूड पढ़वाया है, ठीक, बेस हमारा 28 है, यहाँ अभी हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका बी ई एंड सी, बी ई एंड सी, बी ई एंड सी, इसको नंबर एक माने, जैसे ही आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी हीरोन्स फार्मूले से निकालेंगे हम, वो निकालते ही यहाँ डाल देंगे जिससे हमारा एच आ जाए, जो कि इसका रिक्वायरमेंट है, ऑल्टीट्यूड पूछा है। तो अब कॉन्सेंट्रेट करें एरिया ट्राइंगल बी ई सी पर, ठीक, बी ई सी पे इसकी तीन साइड हैं, क्या क्या हैं देखें, आपका ए बी सी किसी को भी मान लो, तो 26 + 30 + 28 / 2, तो दिस इज़ व्हाट आपका 54 / 2 इज़ व्हाट 42 सेंटीमीटर, ठीक, ये 42 आ गया है। अब नाउ हीरोन्स फार्मूला इसमें लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इज़ व्हाट, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, थोड़ा से इसे लीजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, वैसे तो अब आपको ये याद हो गया है, ठीक है। सो
S is what? 42. 42 minus the first side, and then 42 minus the second side, and 42 minus the third side. Okay? अब इनके सेट बनाने पे जो बच्चा ध्यान देगा वही कामयाब होगा, जल्दी से कर लेगा वो. 42 में से 26 गए तो कितने बचे आपके, देखें 16, 16 बच रहे हैं. ओके है, अच्छा ये आपका कितना 12 है और ये कितना है आपका, देखें 14 है. ठीक, ध्यान से देखें. अब इसके जो फैक्टर बना सकते हो वो भाई सेट बना सकते हो, बना लो. मुझे तो दिखाई दे रहा है 7, 6 कितना होता है 42, तो काम बन रहा है. 7 × 6 16 बेचारा पहले ही आपका हो सकता है. ठीक, तो इसको अभी देखते हैं, अभी 16 ही रहने दो, अभी देखते हैं. और 12 जो है उसका क्या बना सकते हैं हम, जो है 6 से बन सकता है इसका भी. ठीक, 6 × 2, अच्छा 14 है, इसका भी बन सकता है आपका जो है 7 × 2. तो देखें 7 का एक सेट, 6 का एक सेट, 16 का हो ही जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये रह गया हमारा 2 का एक सेट, हो गया कंप्लीट हो गया. अब इसको ढंग से लिख दो, 16 को भी फॉर्मेलिटी कर देंगे, 4 × 4 लिख देंगे इसके स्थान पर. ठीक, तो देखें 7 × 7, 6 × 6, 4 × 4 फॉर द 16, ध्यान रखना ये 16 के लिए लिखा है मैंने. अच्छा नेक्स्ट 2 × 2, 2 × 2 का एक ही सेट बन रहा है, देखें ध्यान से ये और ये बस. ठीक, सो 1, 2, 3, 4 सेट बने, तो 7 × 6 × 4 × 2, 42 × 8 and 16, 33, ये टोटल आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 16, 1 कैरी, 6 लिख दिया, 4 × 32 और 1 × 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर है, सेंटीमीटर ही है, ये आ गया. एंड नाउ पुट इन वन, पुट इन वन, इसको पुट कर दीजिए. तो दिस इम्प्लाइज 28 × में व्हाट आपका h इज 336, सो h क्या हो गया, ये बटे में आ जाएगा, 336 अपॉन में कितना 28, तो भाई ये आपका 7 × 4 = 7 कितने जा, 4 × 5 = 7, 8 जा, और 4 से ये कटा तो 1 × 2, तो हाइट कितनी आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर इज द हाइट और नॉट. ठीक, सो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम अगला प्रश्न करेंगे. ठीक, इसको नोट कर लें, फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ए रोम्बस, ठीक एक रोम्बस है, ए रोम्बस, और उसमें दे रखा है शेप, दे रखी है फील्ड की, अच्छा शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस, ग्रीन ग्रास है इसके अंदर, रोम्बस आपका एक वो दे रखा है शेप, आपका फील्ड है रोम्बस शेप फील्ड, 18 काउस जो हैं वो ग्रेज करती हैं, इसमें ग्रीन ग्रास लगी हुई है. ठीक है, जो ग्रेज करती हैं 18 काउस, और उसका दे रखा है साइड जो है ईच साइड रोम्बस की है 30 एंड लार्जर डायगनल जो है वो 48 है. ठीक, ईच साइड जो दे रखी है दैट इज 30 मीटर एंड लॉन्गर डायगनल भी अवेलेबल है, इज 48 मीटर. देखूं ठीक है ना रकम जो है इसकी, हाँ. फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय ईच काउ, ये जो रोम्बस है तो 18 काउ ग्रेज करती है, ये मान के चल रहा है हर काउ बराबर मात्रा में ग्रीन ग्रास खाती है. अब हमें बताना है कि ईच काउ ने कितना ग्रीन ग्रास ग्रेज करा हुआ. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि 18 काउज ग्रेज
इन रोम्बस शेप फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया, कितना अमाउंट एरिया का उन्होंने ग्रेज करा है, 18 का उन्होंने जो ग्रेज करा एरिया, ग्रेज एरिया इन रोम्बस कर दो, शेप फील्ड इज व्हाट एरिया ऑफ रोम्बस। तो फर्स्ट टारगेट क्या है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस को निकालना, ठीक, पहला टारगेट हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। और लास्ट में जब एरिया ऑफ रोम्बस आपका आ जाएगा, जब मैं यहाँ रखूँगा तो ईच काउ के लिए 18 से क्या कर दूँगा उसको डिवाइड, या भी एक काम करो यहीं के कर दो, देयर फोर ईच काउ ग्रेज एरिया ऑफ फील्ड इज व्हाट एरिया ऑफ रोम्बस शेप पार्क फील्ड और अपॉन में 18, 18 ने इतना ग्रेज करा तो एक ने कितना करा 18 से डिवाइड, इसको नंबर वन मानो। तो टारगेट केवल रोम्बस का एरिया निकालना है, उसको अंत में 18 से क्या कर देंगे हम डिवाइड। सो रोम्बस को मैं ज़रा बना दूं कि रोम्बस जो है वो इस तरीके से है आपका, ठीक, इसकी हर साइड 30 मीटर 30 मीटर है ये, और लॉन्गर डायगनल 48 है, ठीक, लॉन्गर डायगनल इज दिस वन, ठीक, ये 48 है, सब मीटर में मैंने लिखा नहीं है इसलिए, ए बी सी डी, ओके, रोम्बस ए बी सी डी, ठीक, ईच साइड वगैरह सब मैंने लेबलिंग कर दी है इसके अंदर जो है। अब देखें कि आपको हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक। सो रोम्बस का एरिया जो होगा, रोम्बस इज ए व्हाट, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, देयरफोर इट्स डायगनल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया। इसका मतलब बता दूं, ये एक रोम्बस पैरेललोग्राम ही होता है, और पैरेललोग्राम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो उसका डायगनल होता है वो उसके दो ट्राइंगल बनाता है सेम एरिया के। इसका मतलब अगर इसका इस ट्राइंगल का एरिया सपोज 100 है तो उसका भी क्या होगा 100, तो पूरे रोम्बस का कितना हो जाएगा 200। तो एक का निकालो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, वो दूसरे वाला तो वैसे ही निकल जाएगा, अगर एक पता है तो दूसरा पता, तो ये प्रॉपर्टीज से देखो बेनिफिट ही होता है, ठीक। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ व्हाट, एनी ट्राइंगल ले लो, ए बी सी ले लो या ए डी सी ले लो, ठीक, ए बी सी ले लेते हैं, इसको नंबर टू डालो, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ए बी सी का एरिया मैं हीरोन से निकालूंगा, यहाँ डालूंगा तो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, उसको उठा के यहाँ डालूंगा तो एरिया ग्रेज बाय ईच काउ आ जाएगा, ठीक। तो कितना आसानी से क्वेश्चन को मतलब ढंग से, मतलब एक होता है ना फ्लो में चलो, हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल उस पर कॉन्सेंट्रेट करें हम, ए बी सी पे, प्रॉपर्टीज से हमारा कितना काम आसान हो गया, ये पता होने का फायदा। और इसीलिए याद रखें जो लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज़ को याद रखें। इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो भाई हीरोन्स फार्मूले का जो सेमी पेरीमीटर ऐसे है वो आपका ए बी सी किसी को भी मान लो 30, 30, 48 में से, ठीक, तो 30, 30 एंड 48 प्लस में है अपॉन टू, तो 108 अपॉन टू दैट इज 54 सेंटीमीटर इज द एस के नहीं। एंड नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हीरोन्स फार्मूला एक बार तो लिखना बनता है एक सवाल के अंदर। हाँ, एक सवाल में दो तीन बार मत लिखो, एक बार लिख दो एक सवाल में, अगर वही फार्मूला दो तीन बार यूज़ हो रहा है, मेंसुरेशन का सूल है, एक ही बार लिख दें दूसरी बार नहीं लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो एस कितना है, यहाँ तो लिखना पड़ गया क्योंकि अभी तक हमने यूज़ नहीं करा था इसको, जो है लिखा नहीं था, तो 54 और 54 माइनस द फर्स्ट साइड 30 एंड देन 54 माइनस 30 अगेन एंड 54 माइनस व्हाट थर्ड इज 48, ठीक। तो इसमें भी जो बच्चा सेट बना लेगा वही कामयाब होगा, नहीं तो देखो प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, नहीं।
टाइम लगता है ना कैलकुलेशन में, इसलिए वो ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो ही फायदा होगा आपको। ठीक, अब देखें 24 को तो छेड़ो ही मत, आप सेट बना हुआ है। अब इन दोनों को देखो आप, 6 इसमें बन सकता है ना, 9 6 है, तो 9 × 6 इंटू ये 6 6 के साथ लिख रहा हूँ, 24, 24 का सेट बना ही है। और 9 का रूट आप जानते हैं होता ही है, ठीक, 9 का रूट 3 होता है, ये सेट बना हुआ है, ये सेट बना हुआ है, भाई 9 का रूट व्हाट, 3, 9 का रूट 3, 6 × 6 है तो एक सेट बना हुआ है, ये भी स्क्वायर रूट होकर 6 ही आएगा, ये 24 आएगा। ओके है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, ओके, कैलकुलेट करके 18 आ गया, 18 × 4 = 72, 18 × 2 = 36, और 7 कितना आ गया, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया है ट्राइंगल का। अब रोम्बस के लिए पुट करो इन टू में, पुट इन टू, वी गेट एरिया ऑफ रोम्बस इज 2 × 432, दैट इज 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट नाउ इन वन, पुट इन वन टू गेट एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, तो देयर फोर ईच काउ ग्रेज एरिया ऑफ फील्ड, दिख रहा है ना बच्चों को, इज इक्वल टू, रोम्बस का कितना है एरिया हमारा, 864, 864 इज द एरिया ऑफ रोम्बस अपॉन में 18 टू गेट दिस रिक्वायर्ड। ठीक, तो 18 लिख दें और इसे कट कर दें, 18 कितने से जाएगा आपका, देखें 4 = 72, इसमें से जाएगा कितना बचेगा आपका, देखें 72 इसमें से जाके 14, 14 और 4 कितना हो गया आपका, 144, 18 कितने जा होता आपका, 8 जा, सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, ये ईच काउ ग्रेस करेगी। सो आई होप यू गेट दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके समझना और कॉपी कर लेना, ठीक, ओके। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पढ़ें, 6th कहता है, 6th क्वेश्चन कहता है इसमें, कि एन एरोप्लेन है, ठीक, एन एरोप्लेन, नो सॉरी, एन अम्ब्रेला, तो देखे एक अम्ब्रेला जो दे रखी है आपकी, इज मेड विद द, आपकी दे रखी स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस दे रखे हैं क्लॉथ के, 2 डिफरेंट कलर्स हैं आपके, ठीक, फिगर इसकी दे रखी है, तो भाई ये एक ट्राइंगुलर जो मेन है, ऐसे कितने आपके वो पीस जुड़े हुए हैं उसके अंदर जो हैं वो 10 पीसेस हैं जिससे अम्ब्रेला बना हुआ है, ठीक, ओके, 10 पीसेस इसमें हैं आपके, और उसकी जो प्रत्येक आपको साइड दे रखी है वो कितनी कितनी दे रखी है, देखो आपको 20, 50 एंड 50, सो दिस इज़ 20 ले लें, दिस इज़ 50 ले लें, दिस इज़ 50 ले लें, ठीक, अम्ब्रेला है। एरोप्लेन वाले क्वेश्चन का प्रभाव से सब एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, अम्ब्रेला का एक क्वेश्चन, उसमें 10 ऐसे पीसेस जोड़ के एक अम्ब्रेला बनी है और 2 कलर्स है, ओके, मेन मेन समरी नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन की, और उसको ध्यान से पढ़ें आप भी, एंड हाउ मच क्लॉथ ऑफ द ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, कितने कलर हैं, 2, तो आई होप हम क्या करेंगे, ईच कलर के लिए कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 5 पीसेज हो जाएंगे, देयर फोर आपके 5 पीसेज, या लिख दो नंबर ऑफ ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ ईच कलर इज व्हाट, 10 टोटल हैं, 2 कलर हैं, तो भाई 5 पीस हो गए हर एक के, मतलब 5 ट्राइंगुलर पीसेज हैं,
तो मैं एक का एरिया निकालूंगा और 5 से 2 कर दूंगा. सो देयर फोर एरिया ऑफ आपका ईच कलर पीसेस इज इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक, सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको ए बी सी मान लेता हूँ. ठीक, ए बी सी यहाँ लिख दो. ऐसे 10 ट्राइंगल हैं, 5 एक कलर के, 5 एक कलर के, पूछा ईच कलर है इसलिए 5 से इंटू कर रहे हैं. इसको नंबर एक. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पे कॉन्सनट्रेट करें. एस उसका ए बी सी 50 और भाई 50 20 ले लो. 50 + 50 + 20 ए बी सी रिस्पेक्टिवली मान ली. 120 का आधा 60 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर है ना सबके जो हैं, सेंटीमीटर में चल रहे हैं सबके. ठीक, तो क्योंकि मीटर में हो तो पता नहीं कितनी बड़ी अम्ब्रेला हो जाएगी. नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, हीरोंस फॉर्मूले के द्वारा एस एस माइनस ए एस माइनस व्हाट बी एस माइनस सी. ये लिखे एस माइनस सी. ठीक, सो 60 60 माइनस ए इज 50, 60 माइनस बी इज 50, 60 माइनस सी इज व्हाट 20. ठीक, तो देखिए ये आ गया 60 10, फिर 10. ठीक, और फिर आपका 40. तो एक चीज़ देखिए, सेट बनाने पे ध्यान देना है. 10 जो है वो हर एक का सेट बन रहा है, इसमें 10 × 6 हो जाएगा, 10 है ही 10 × 4. तो सबसे पहले वो करो. तो 10 के दो सेट बन रहे हैं हमारे, दो दो के जो है, मतलब पेयर्स, दो पेयर्स के सेट बन रहे हैं. 10 × 10 × 10 और इंटू 10. एक मैंने 10 यहाँ से पिक कर लिया फैक्टर में से, एक यहाँ से. ठीक, बचा क्या आपका 6 यहाँ से बचा और 4 यहाँ से बचा. ओके है, ओके. अब इसका भी देखें, इसमें भी सेट बन सकता है तो बना लो, लेकिन ये देखें बन नहीं पाएगा. इसमें 6 का 2 × 3, ये 2 × 2 बना हुई है. ठीक, इसका तो रूट वैसे भी हो जाएगा. ये सेट बने हुए हैं हमारे, तो ये अकेला रह गया, इसको रूट में रखना पड़ेगा हमारे को. ठीक, तो भाई इसके लिए तो हम कर ही सकते हैं, रूट 6 जो है वो हम इसको अप्लाई कर देंगे या फिर डायरेक्ट छोड़ देंगे. तो ये लिख लीजिए इसको फटाफट. एक सेट 10 का बाहर आया, ये सेट 10 का बाहर आया, ये 4 का रूट कितना होता है 2, या 4 की जगह भी लिख देना 2 × 2 बातें की, और अंडर रूट में 6, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो इट इज़ 100 × 2 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज नेट आ गया 200 √6 सेंटीमीटर का स्क्वायर. अच्छा, ये आपने पुट करना है 1 में, तब जाके मिलेगा ना. तो पुट इन 1, वी गेट देयर फोर एरिया ऑफ ईच कलर ट्राइंगुलर पीसेज. ठीक, इज व्हाट 5 × 200 √6, दिस इज 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और भाई अगर समय हो तो रूट सिक्स की वैल्यू निकाल लेना, जो कि कितनी आएगी, 2. आपकी 1 के अप्रॉक्स आएगी. ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, अदरवाइज यहाँ छोड़ दें, इट्स ओके. ठीक, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर भी, इसमें यूनिट बहुत ज़रूरी है, एरिया की लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आधा. ठीक, तो ये लिख दें. चलो तो रूट सिक्स की वैल्यू निकाल के डाल दें. अच्छा, 7th क्वेश्चन पढ़ें अब जो है. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, करना तो पड़ेगा ही. मैथ्स के तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मैथ्स इज़ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. ठीक है, इसके तो सारे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, हम ही कई बार नहीं समझते, लेकिन ये बहुत बढ़िया है. अब 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है आपका दे रखा है, सॉरी 7th में अभी हम, काइट वाला क्वेश्चन रह गया है. तो ज़रा काइट वाले क्वेश्चन को ज़रा इसको पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी एक काइट बनी हुई है. ठीक है, ड्राइंग देख लेना.
अच्छे से बना लेना, बुक में बनी हुई है ऐसे इसकी फिगर, ठीक है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उतनी बढ़िया तो नहीं बनेगी, एक ट्राइंगल नीचे हुई है इसके, ठीक। तो ये एक काइट के रूप में दे रखी है, ये आपकी एक काइट है। इसमें आपको रीजन्स दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, यहाँ दूसरा कलर है और भाई ब्लू सा कलर है मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, और नीचे वाले में वाइट है और फिर इसमें ब्लू है। ये है सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। तो इसको पहले मैं लिख दूँ, ये थर्ड पार्ट है, ठीक, और जो बचा उसमें शेडिंग कर दो, समझो ये ब्लू कलर है, ठीक। ये कहता है काइट की जो शेप है वो दे रखी है आपको, डायगनल 32 है इसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें, ठीक, इन द शेप ऑफ डायगनल 32 है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऑफ द बेस 8 है एंड साइड 6 है, इज टू बी मेड विद थ्री डिफरेंट शेड्स, ठीक, थ्री डिफरेंट शेड्स हैं लेकिन बुक में तो अलग अलग हैं, मान लो ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, थ्री अलग अलग है। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल उसके नीचे चिपका हुआ है, ठीक, वो आपका मैं इसके डायमेंशन लिखता हूँ कहीं भूल ना जाऊँ। आइसोसेलेस का होने का मतलब 8 और 8 अपोजिट साइड बराबर, और नीचे 6 है, ये सब सेंटीमीटर में मान के चल रहे हैं, ठीक। नहीं तो वो लिखूँगा वो हो जाएगी बड़ी अजीब सी फिगर हो जाएगी, ठीक। डायगनल इसका गिवन है बस आपको काइट का, तो ए बी सी डी नाम रख दूँ जिससे मैं समझा पाऊँ, और ये ई और ये एफ, ठीक। तो काइट हमारी जो है उसमें एक स्क्वायर है, ठीक, उसका डायगनल है 32, दैट मींस आपका ए सी बराबर बी डी, एंड वी नो दैट इन ए स्क्वायर डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ईच अदर के, देयर फोर आपका ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक, ठीक है, एंड ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, इसलिए एंड डायगनल्स आर इक्वल, तो उनके बाइसेक्टेड पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे, डायगनल्स आर क्या होते हैं, इक्वल, डायगनल के लेंथ बराबर है तो बाइसेक्टेड पार्ट भी बराबर हो गए। तो दिस ईच जो होगा दैट इज़ हाफ ऑफ द डायगनल लेंथ, दैट इज 32 गिवन है। सो ईच एंड एवरी ए ओ ओ सी ओ बी एंड ओ डी ईच कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक, ओके, ये आ चुका है हमारा, ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक। तो भाई हीरोन से भी निकाल सकते हो आप, इसमें भाई बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन उससे, ठीक, साइड निकालनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है, ये ए ओ ऑल्टीट्यूड ले रहा हूँ और बी डी बेस ले रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ए बी डी ट्राइंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वही ट्राइंगल बी सी डी का होगा, ठीक, बिकॉज इन ए स्क्वायर विच इज़ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, विच इज ए पैरेललोग्राम डायगनल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो कि फर्स्ट रीजन है हमारा, ठीक, ये फर्स्ट रीजन है हमारा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, बी सी डी, दिस इज सेकेंड रीजन, ठीक, एक का निकालेंगे दोनों का मिल जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखें। सो किसी एक का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जैसे मैं निकाल रहा हूँ, सो इट शुड बी 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, सो 1/2 बेस इज व्हाट इसका बी डी एंड ऑल्टीट्यूड इज व्हाट ए ओ, एंड द बेस जो बी डी है, डायगनल तो बराबर होते हैं, तो अगर ए सी 32 है तो बी डी भी 32 होगा, और इनटू में आपका ए डी कितना है, ए ओ, ए ओ अभी निकाला था हमने, ऑल्टीट्यूड इसका जो बनेगा दैट इज 16, ठीक,
तो भाई ये इसका 16 कट कटा के 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फर्स्ट है बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, दो पार्ट्स का एरिया आ गया हमारा, ईच का एरिया कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब कॉन्सेंट्रेट करें ट्राइंगल के एरिया पर। ठीक, तो वो यहाँ जगह नहीं बची है, अब इस पे यहाँ के अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, जो ये काइट के नीचे लगा हुआ है जिसमें इक्वल बेस आपका गिवन है 6 और 8 उसकी अरे तो गड़बड़ हो गई, इसमें जो है 8 आपकी साइड दे रखी है बेस के रूप में और 6 आपके SLS की इक्वल साइड्स हैं, अपोजिट साइड। तो ये देखो कॉपी करने में मिस्टेक हो गई, ढंग से पढ़ा करें इसे, मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा इसे। ठीक, ओके, तो देखें अब इस पे आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका CEF। ठीक, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि भाई तीनों साइड्स नोन है, सो इट इज़ व्हाट 6 और 8 बाय 2, दिस इज़ व्हाट आपका 20 बाय 2 इज 10। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप CEF, हीरोन्स फार्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं, दिस इज़ व्हाट आपका SS माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक, एंड नाउ व्हाट इज़ योर S 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी और करेंगे और S पहले लिख दिया तो 10 माइनस 8। सो इसमें सेट बनाने की कोशिश करें, ये 4 और ये 4, ये तो बन गया और ये 2, एक 2 यहाँ से ले लो तो भाई ये आपका 5 अकेला रह जाएगा, 4 × 4 × 2 × 2, 2 का सेट बन गया, 4 का सेट बन गया, तो 4 यहाँ 2 यहाँ और रूट 5 ये, तो 8√5। ठीक, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236 और इसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 24 24 और 4 28, 16 18, एंड देन आपका 16 एंड 1 17। ठीक, 17 पॉइंट आपका, ये आपका देखें 48 24 28 हो जाएगा, राइट आपका भाई 16 और 2 18 एंड दिस 16 17, राइट दिस इज नियरली 17.9 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो काइट के नीचे बना हुआ उसका एरिया लगभग कितना आ रहा है आपका दिस, और ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे इन दोनों का ईच का एरिया 256 आ रहा है, तो इसको नोट कर लें बहुत ध्यान से। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है ज़रा इसको चेक करें। कहता है एक फ्लोरल दे रखा डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन है 16 टाइल्स हैं, आठवां सवाल 8th फ्लोरल डिज़ाइन है 16 टाइल्स हैं। फिर कहता है इस पे कहता है ट्राइंगुलर शेप है, ठीक, और कहता है जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो भी हैं 9 28 और 35, 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर इसकी ट्राइंगुलर टाइल की ईच की डायमेंशंस जो साइड्स हैं वो 9 28 एंड 35 हैं, फिगर में दे भी रखा है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बतानी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 16 टाइल्स, उन पे पॉलिश होनी है, और रेट दे रखा है आपको 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसा को 0.5 रुपीज़ लिख देना, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका पहली चीज़ तो ये 50 पैसे की जगह क्या लिखो, 0.5 रुपी 0.5 पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देखें एक टाइल का एरिया में निकालेंगे हम, ठीक। टाइल भी दे रखी है, वैसे स्टाइलिश सी टाइलें बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये लॉन्ग है, एक ये शॉर्ट है, एक ये थोड़ी सी ऐसी टाइल्स बनी हुई है, सीन टाइल्स हैं ऐसी, सच टाइल्स। ये 9 हो गया सेंटीमीटर में, ये 28 ले लो और ये 35 ले लो, ठीक। ये तीनों इसकी टाइल्स की साइड्स की लेंथ हो गई। ये आपका एक ट्रायंगल में मान रहा हूँ। ऐसे हाउ मेनी 16 टाइल्स में डील करेंगे, तो एक का निकालो टोटल से मल्टीप्लाई कर दें। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स एक जैसी हैं, इज 16 इंटू एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल, ठीक। सो एक का हम निकालेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। पहले टारगेट है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो एक टाइल मैंने ली है उसका एरिया निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि तीनों साइड अवेलेबल हैं इसकी, तो एस निकालो। दिस इज 28, 9 प्लस 35 बाई 2, एंड दिस इज 35 और 9 कितना हो गया 44, 52 और 72 बाई 2, एंड दिस इज 36 सेंटीमीटर। एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। इसमें इसको पुट कर दें, तो व्हाट इज द एस, एस इज 36 एंड 36 और माइनस व्हाट, ए इज व्हाट इसमें 28। अच्छा 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 35 सेट बनाएंगे तभी होगा। दिस इज व्हाट 28 है, तो भाई 8 रह गया, और ये कितना आगे आएगा नेक्स्ट में जो है, ये 9 गया तो 27 बचेगा और ये आपका 1 बचेगा, ठीक। यहाँ तक ओके। अब इसमें हम इसके सेट बनाने में लगे रहे, ठीक। तो देखें 36 और ये 27 के ब्रेक करें, तो इसको 9 फोरजा कह सकते हैं हम, और ये 4 इंटू 2 कह सकते हैं, और इसको 9 थ्रीजा कह सकते हैं। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन तो बेस्ट है, लेकिन कई बार वो लॉन्ग हो जाती है, बहुत छोटे ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़े ना बड़े बड़े नंबरों के सेट बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। एक 9 का बन रहा है देखो, और 4 का बन गया, और भाई इसका नहीं बन रहा, तो फिर तो करना ही पड़ेगा गड़बड़ जो है, ठीक। तो कोई बात नहीं, तो जितने बन गए सेट उतना अच्छा है, ये समझे। 4 इंटू व्हाट 4, ठीक। और भाई ये आपका 2 और 3 रह गए, तो इसको 6 लिख दो, इसका नहीं होगा कोई बात नहीं, रूट 6 ले लेंगे। मतलब इससे फटाफट होगा आपका, 9 का या 4 का एक सेट बना और रूट 6 कितना आ गया, दिस इज 36 रूट 6। और अभी रूट 6 की वैल्यू मत डालें, जब फाइनल आंसर आए तब डालना, ठीक। अभी कुछ मत करें, अभी ये कुछ नहीं करना। अब उसके बाद देखें पुट इन 1, क्योंकि अभी तो एक टाइल का एरिया है। पुट इन 1 वी गेट एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप कॉस्ट भी नहीं कहीं निकाल दें, फिर एक ही बार मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे हम, आराम से एक ही बार हो जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह। सो कॉस्ट ऑफ, ये देखो एक का कॉस्ट कितना है इतना, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 0.5 रुपी जो है, तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग व्हाट अमाउंट 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 16 इंटू 36 इंटू रूट 6 और मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है 0.5 से इंटू होगा, ठीक है इंटू 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, ये हटाओ नीचे 10 हाफ है, इसका मतलब 2 आ गया, 2 से किसी को भी कट कर दो 8 आ गया इसे, तो फाइनली क्या बचा 8 6 48, 8 3 24 और 4 कितने हो गए 28,
एंड दिस इज़ व्हाट रूट सिक्स. ठीक. सो फाइनली आंसर हमारा ये आया है रुपीज़ में. अब भाई ये आपका अच्छा नहीं लग रहा ना, आपका रुपीज़ रूट सिक्स में लिखे हुए. ठीक. तो बेटर करने के लिए क्या करें, इसमें सिक्स का रूट निकाल लें. सिक्स का रूट कितना आता है, लगभग आपका 288 इंटू 2.45 के अप्रॉक्स ले लो और इसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, आप 288 से. ठीक. तो वो आपका मल्टीप्लाई करने के पश्चात लगभग 7.05 पैसे राउंड ऑफ करने के पश्चात अप्रॉक्सीमेटली वो आएगा. ठीक. ओके. तो ये ज़रा इसको कॉस्टिंग को निकाल देना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो भाई बता देना, आप ईमेल करके लगभग आंसर ये आएगा. ठीक. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ, बड़ी कैलकुलेशन वाली एक्सरसाइज है. ठीक. नाइन्थ सवाल तो देखें, ये अपने आप कर करके देखना समझने के पश्चात. लॉजिक समझो, मेंसुरेशन में वन लाइनर किलर लॉजिक होता है, वो समझ में आ गया. कैलकुलेशन देखो आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो ध्यान की बात है, आप ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी. ठीक है. लॉजिक मस्ट आपको क्लियर होना चाहिए. नाइन्थ है, एक फील्ड दे रखी है, फील्ड है और कैसी फील्ड है, वो ट्रेपीजियम की शेप है, ट्रेपीजियम की शेप में एक फील्ड है. ठीक. ट्रेपीजियम कहता है कि भाई उसकी जो साइड्स हैं पैरेलल वो 25 और 10 है. पैरेलल साइड्स हैं आपकी 25 मीटर और 10 मीटर. ठीक. और वो कहता है नॉन पैरेलल साइड्स भी हैं. क्या क्या है वो, 14 मीटर और 13 मीटर. ठीक. कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड मीन्स ट्रेपीजियम. ठीक है. इट मीन्स ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए. सो एक ट्रेपीजियम बनाएं, उसमें आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि ये साइड बड़ी हो, ये छोटी हो, ये आपकी और ये मैनेज कर लेंगे. ये 10 हो गई, ये 25 हो गई, ये 13 हो गई और ये 14. ओके. डायमेंशंस हो गए इसके सेट जो है. याद करें एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हमने करा था, उसमें जो एक फिगर थी ट्रेपीजियम की, उसमें हमने बिल्कुल ऐसे ही करा था, उसमें चारों साइडें पता थी. जब भी ट्रेपीजियम की चारों साइडें दोनों पैरेलल और दोनों नॉट पैरेलल गिवन हो, मतलब नॉन पैरेलल और पैरेलल पता हो, तो एक आपको ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम बनाए बगैर सवाल नहीं होगा. ठीक. तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फॉर सिंप्लिसिटी मैं नेमिंग दे रहा हूँ, ABCD. मैंने अपनी सुविधा के लिए इस ट्रेपीजियम का नाम रख दिया है ABCD एंड इन दिस AB इज पैरेलल टू DC. ठीक. अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AD, दिस इज D, पैरेलल टू AD फ्रॉम पॉइंट C. सी से एक लाइन खींचेंगे पैरेलल, विच स्ट्राइक एट, ये 25 पूरा है, ईथ पर स्ट्राइक करेगा ये. ठीक. AD फ्रॉम पैरेलल टू AD फ्रॉम व्हाट से आपने ड्रॉ करना है, सी से, पॉइंट सी, इट कट या इंटरसेक्ट AB एट लेट पॉइंट ई. ठीक. सो दिस एम्प्लाइज CE इज पैरेलल टू AD एंड AB इज पैरेलल टू DC गिवन. दिस एम्प्लाइज AB अगर आपकी पैरेलल है AB DC के, तो AB पे कोई भी आपका पॉइंट लेकर कोई भी पार्ट AB का होगा वो DC के पैरेलल होगा ही. तो AE भी पैरेलल हो गया किसके, DC के. तो ये चीज़ और ये चीज़. ठीक. एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, उसके अंदर दोनों पेयर पैरेलल हैं अपोजिट साइड के, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा. ठीक. सो
देयरफोर आपका जो क्वाड्रिलेटर ए ई सी बी सी डी है इज ए पैरेललोग्राम एज बोथ अपोजिट बोथ अपोजिट पेयर्स बोथ अपोजिट साइड्स पेयर्स बोथ अपोजिट साइड्स पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक, ये पेयर है. अब कुछ अंग्रेजी में समझ ना आए तो मैं बोलता हूँ हर चीज़ दो दो तीन तीन बार, उसको लिख लें टू ईच अदर. ठीक है, ये हम जानते हैं. तो ये पैरेललोग्राम हो गया. और देयर फोर आपका ए ई बराबर डी सी हो जाएगा, जो कि 10 है, 10 गिवन है. बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस वजह से हो गया. और ऑल्सो ए डी कितने के बराबर हो जाएगा, ई सी के. ई सी भी कितना हो जाएगा, 14. सो ए डी बराबर ई सी भी 14 हो गया. ठीक, पैरेललोग्राम हो गया. अब क्या करें कि जब ये 14 आ चुका है, ये 25 पूरा है और ये 10, तो ये 10, तो बचा हुआ पार्ट कितना है. देखें, ए बी जो है वो आपका कितने के बराबर दे रखा है, ए बी इज़ 25 एंड ए बी इज़ व्हाट, ए ई प्लस ई बी, इट इज़ 25. ए ई अभी अभी हमने देखा, ये 10 तो ये 10, तो ये 10 आ गया. तो ई बी की कैलकुलेशन करें तो वो कितनी आ जाएगी, ई बी की कैलकुलेशन करने के पश्चात 15, ये 15 आ गया. ठीक, अब ट्राइंगल सी ई बी डिस्कवर हो गया, उसकी तीनों साइड पता लग गई. तो हीरोन फार्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं. हमेशा ट्रेपीजियम की चार साइड अपोजिट पैरेलल और नॉन पैरेलल गिवन हो तो यही करना पड़ेगा आपको. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट निकालेंगे हम, वहाँ हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को रखेंगे हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. वहाँ से ऑल्टीट्यूड आएगा तब जाके हम इसका एरिया निकाल पाएंगे. ठीक, तो एग्जैक्टली एरोप्लेन वाले पार्ट के जैसा है बिल्कुल. ठीक, तो अब तक हमने जो करा वो मैंने साहब ब्रीफ कर दिया है इसका. ठीक, तो ये मिटा दूँ जिससे हम अगला पार्ट इस सवाल का ढंग से लिख पाए. तो ये नोट जरूर कर लेना सब थ्योरी जो है. अब क्या करेंगे हम, एरिया ट्राइंगल सी ई बी का निकालने का टारगेट है वो हमारा. तो तीनों साइड नोन है, तो भाई 14, 15 एंड 13 आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली सपोज. तो ये कितना आ गया, ये 29 और ये 32 और 42, 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर. अब एरिया जो आएगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका सी ई बी जो आएगा, दैट इज व्हाट आपका एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आएगा. ठीक, तो वही आपका इसमें एस कितना निकला है, 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 एंड 21 माइनस 13, ये आ जाएगा. नहीं तो भाई, ये आपका कितना आ गया 21 और ये कितना 7, ये कितना 6 और ये कितना आपका 8. ठीक, अब इनमें वही आपको सेट बनाने हैं तो ही कामयाबी मिलेगी. 7 इंटू 3 इंटू दिस 7 इंटू 6 के हो गए 2 इंटू 3 और भाई इसके 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2. देखें सेट कितने बन रहे हैं, 7 का सेट बना, 3 का एक सेट बना और ये भी हो गया. अब 2 के दो सेट बन रहे हैं, देखो दो सेट बन रहे हैं 2 के, एक दो, एक दो सेट बना ली. जो पूरा इंटू करके करेगा जबरदस्त फंसेगा, शायद उसका वहीं गलत हो जाए, आगे पहुंच ही ना पाए वो बेचारा. ठीक, तो बहुत ध्यान से इसको स्टडी करें. ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2, सेटों में से एक एक उठा के हम लिख देते हैं. तो ये आपका कितना आ गया, 21 इंटू 4 इज 84. ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ तक इसकी नोटिंग कर लें. ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सही है, नोट करें, 84 आया है, ध्यान रखना कि मैं भूल जाऊं. 84 पहले लिख दूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई बी इज 84
सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर। ठीक, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी टू ई बी। ठीक, एक परपेंडिकुलर डाला आपने, ये एफ है हमारा जो है, इसको एफ ले लो, और ये 15 ये था। ठीक है, सी टू ई बी है ना, विच इंटरसेक्ट और फॉल इंटरसेक्ट एट एफ टू ए बी। ठीक है, ये ए बी को सी से परपेंडिकुलर डालोगे, एफ पे आपका ये स्ट्राइक करेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा एफ पर। ठीक, एफ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो दिस इम्प्लाइज सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ई बी। ठीक, अब ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब भाई ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालो, किसी भी मेथड से निकालो बराबर आएगा, तो इससे भी तो एरिया वही आना चाहिए, तो एरिया मस्ट बी सेम। उस थ्योरी को हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो दिस हाफ बेस कितना, 15, और ऑल्टीट्यूड वी डोंट नो, आपका सी एफ लिख लो इसको। तो भाई ये एरिया नंबर वन और ये एरिया नंबर टू, 1, 2 शुड सेम बिकॉज एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल मस्ट बी सेम। एक ही ट्राइंगल का एरिया 10 तरीकों से निकाल लो, सेम ही तो आएगा। तो ये आपका आ गया, देखें 1/2 आपका 84 बराबर 1/2 और 15 इंटू सी एफ। 2 को उधर ले जाओ, 15 को बटे में ले जाओ यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 84 इंटू 2 अपॉन में 15 इस सी एफ। तो भाई इसे जितना कट पिट सकता है उतना इसे काट पीट लें। ठीक, फिर इसका भाई निकाल देंगे वैल्यू, जो है 3 से आपका कट रहा है, 3 5 ज़ा, 3 कितने ज़ा आपका, 2 ज़ा, और 3 8 ज़ा, 24। अब भाई ये 24 है तो इसका सी एफ कितना आ जाएगा आपका जो है, इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लो, तो 80 ये 4 हो जाएगा 32 पॉइंट सी एफ बराबर 32 और ये 11 अपॉन में 10, दैट इज़ 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पता है क्या करा, 5 था, 2 से इंटू करके 10 बना लिया, ऊपर भी 2 इंटू कर दिया, 2 2 4 इंटू कर दिया 112। नीचे 10 का फ़ायदा है कि एक जीरो है ना, तो ये हटाओ और डेसिमल लगा दो। ठीक, सी एफ आ गया, यहाँ तक नोटिंग कर लीजिए सी एफ तक जो है। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के जोड़ लें इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, या फिर डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला फिट कर दें, दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक, तो मैं दोनों करा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी हमें इसके लिए जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो भाई बेस कितना है इसका पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का नाम है ए ई और सी डी, तो बेस है इसका 10 और ऑल्टीट्यूड अभी अभी निकला है हमारा सी एफ जो है, दैट इज़ बेस इसका है ए ई और भाई सी एफ, तो सी एफ कितना है 11.2, तो हो गया नहीं 112 आ गया आसानी से ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ध्यान रखें, ये आ रहा है पैरेललोग्राम का 112 और ट्राइंगल का 84, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। ठीक, या मैं मिटाता नहीं, इसे ही कर देता हूँ। ठीक, लिखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्राइंगल का 84 और इसका कितना है अभी लास्ट जो है 112, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ठीक, मीटर में है ना। और दूसरा तरीका, ये तो मैं आपको राय दूंगा यही करना, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है अपने ये
ट्राइंगल का एरिया से ऑल्टीट्यूड निकाला है, तो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाना चाहिए। और नहीं तो वो जो आपका एक यूनिवर्सल फार्मूला है ट्रेपीजियम का, एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी मैंने लिखवाया था आपको बेसिक्स में, जो है इनटू डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस और सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन है? 10 और 25। और भाई डिस्टेंस या ऑल्टीट्यूड जो सी एफ आया है वो कितना है? सी एफ डिस्टेंस का मतलब, यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन देम्स का मतलब है यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जो है, जो डिस्टेंस है सी एफ, सी एफ इज 1 1.2। ठीक, ये हो गया 35, और इनटू में 2 से इसे कट कर दो, या तो ठीक 2 से इसे काट ही दो, 2 5 ज़ा 0.26 ज़ा, तो दैट इज़ 5.6। ठीक, इसको फाइनल कैलकुलेट अगर करेंगे तो 35 6 ज़ा कितना? 35 6 ज़ा 210। ठीक, 35 5 ज़ा कितना? 175। 175 और ये आपका कितना था? 21 196। 175 और 21 और डेसिमल यहाँ लगना ही है आपका, तो ये 0.0 है, तो ये आपका 196 मीटर स्क्वायर। इससे भी आ गया नहीं आ गया? तो देखें ये गणित है, आप भाई ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ के बाद आप यहाँ आ सकते हो, नहीं तो भाई इसके बाद ये निकालो और इसमें ऐड कर दो, इसके बाद ये पार्ट यहाँ तक, या फिर इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाओ, इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं है पैरेललोग्राम की, बट ये कि आपको दोनों आने चाहिए मेथड। तो आज देखें हमने बहुत ही कैलकुलेशन वाली एक्सरसाइज करी है, तो इसमें ज़रा चेक कर लो कोई जल्दबाजी में गलती ना हो गई हो, लेकिन लॉजिक हर सवाल का बहुत ही परफेक्ट दिया है मैंने इसका। ठीक, तो अगर कोई बाई चांस कैलकुलेशन की सिली मिस्टेक वगैरह हो तो उसे ठीक कर लेना, क्योंकि भाई इतनी बड़ी एक्सरसाइज और समझाते हुए हो सकता है कोई कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब मैं इसके और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, जब इसके लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो भाई यही एक सबसे बड़ा वो है, इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए और स्कोरिंग टॉपिक है, इजी भी है। ओके, तो अगली बार मिलेंगे फिर हम अगले टॉपिक में, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो मैं फिर जब टॉपिक आपका सेमेस्टर कोर्स पूरा हो जाएगा उसी के बाद लूँगा, हर टॉपिक के लूँगा, फिर मिक्स में लूँगा। ठीक, ओके।